शिवपुरी में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जहां व्यक्ति ने बताया कि उसे मृत घोषित कर उसकी जमीन बेच दी गई है और वह जिंदा है। कोलारस एसडीएम पर साफ तौर पर आरोप वृद्ध ने लगाया है। जानकारी के अनुसार लालाराम कुशवाहा निवासी ग्राम बाराई तहसील बदरवास ने बताया कि वह जिंदा है और उसे कागजों में मृत घोषित कर दिया। वहीं जमीन बेचने के एवज में पूरी कहानी रची गई। इसका आरोप कोलारस एसडीएम पर लगाया गया है। वहीं उसने बताया है कि उसकी बहन के लड़के ने उसकी जमीन भी बेच दी है। नाम है आपका? लाला राम। कहाँ रहते हो? बाराई भद्रवास के पास। आज ही आज कलेक्टर साहब के पास आयो, क्या समस्या लेके आए? मेरी जमीन बेच गई साहब, मुझे फोत कर दो और मैं जिंदा हूँ। अभी किसी ने मृत घोषित करवा दी? एसडीएम साहब भद्रवास, उनने कर दिया। कोलारस किस लिए? जमीन के चक्कर में कर दो, मुझे खत्म कर दो। किसके नाम कर दिया जमीन? है भेज दी जमीन तो। किसने बेच दी आपकी बहन? हाँ, बहन का लड़का है। तो ये दयाराम कुशवा। कहाँ रहते हो? बाराई भद्रवास। आज कलेक्टर साहब के पास आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? ये समस्या लेके आए हैं कि हमारे पापा जी जिंदे हैं और उनको एसडीएम साहब कोलारस ने मृत घोषित कर दिया है। कारण क्या रहा? कारण जमीन का रहा। जमीन बसीयतनामा थी हमारे दादाजी की थी, वो बसीयतनामा हमारे लिए करा गए थे। किसके बसीयतनामा थी? दयाराम और सीताराम के नाम। आपके पिताजी? नहीं, सीताराम भाई था छोटा। हाँ, इसके बाद में भद्रवास में केस चला, तो भद्रवास में हम जीत गए थे। वहाँ से चलने के बाद में उनने अपील कर दी कोलारस एसडीएम में। कोलारस एसडीएम ने, एसडीएम साहब ने हमारी पापा जी को मृत घोषित करते हुए उनका निराकरण कर दिया उनके नाम। और वो हमारे बुआ का लड़का था, उसने क्या कहते हैं जमीन बेच दी और उसका बेचने के बाद नामांतरण भी कर गया। कितनी जमीन थी? 15-16 बीघे जमीन। 15-16? हाँ। तो आपने इसकी शिकायत चल रही है हाई कोर्ट कमिश्नरी में चल रही है ग्वालियर। कौन से एसडीएम थे? गणेश जायसवाल।